हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जेरेंड के बारे में। जी हाँ, जेरेंड एक वर्ब का एक फॉर्म ही होता है, लेकिन अधिकतर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। अधिकतर लोगों का मानना है कि जेरेंड का यूज़ जो होता है सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, जेरेंड क्या होता है? जेरेंड होता है अगर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing लगा देते हैं। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देते हैं, ing लगा देते हैं, तो वो आपका जेरेंड कहलाता है। अब जेरेंड तो कहला, जैसे कि हम लिखते हैं, आपका कुछ भी लिख दीजिए, गोइंग हम लिखते हैं, गोइंग लिखते हैं, जैसे गो प्लस ing। देखिएगा, आपने ज़्यादातर जो जेरेंड का जो आपने नॉर्मल पढ़ा है, अब कुछ लोगों को तो ये पता नहीं इसको जेरेंड बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ing आता है तो इसको जेरेंड बोलते हैं, ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। तो अब जान लीजिए, देखिएगा क्या होता है कि बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपके टेंसेज में जो कंटिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं, तो यही बेसिकली इसका यूज़ होता है। लेकिन नहीं होता, इसका यूज़ हम एज अ ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्टिव कर सकते हैं। अलग अलग इसके रूल्स भी होते हैं यूज़ करने के, तो वो मैं इसी वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला इसका इसका यूज़ एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ। हाँ, तो आप देखेंगे अब जेरेंड का यूज एज अ सब्जेक्ट। तो एज अ सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, स्विमिंग इज अ गुड, मतलब स्विमिंग इज गुड। तो स्विमिंग, ये जो स्विमिंग ये लिखा हुआ है, एक्चुअली स्विम मींस होता है तैरना, तो यहाँ पे स्विमिंग कर दिया, तो ये स्विमिंग आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। तो ये जेरेंड है कि आपकी स्विमिंग में ing लग गया, तो ये स्विमिंग हो गया। तो जेरेंड यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। फिशिंग इज अ गुड प्रोफेशन, तो फिशिंग इज अ गुड फिशिंग इज अ गुड प्रोफेशन। तो यहाँ पे फिशिंग, तो फिश में ing लगा देते हो गया फिशिंग, फिशिंग इज अ गुड प्रोफेशन। तो यहाँ पे फिशिंग जो जेरेंड है वो एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। सीइंग इज बिलीविंग, तो यहाँ पे सीइंग, सी में ing लगा दिया, तो ये जेरेंड आपका एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये चीज़ ये है कि जरूरी नहीं है कि जो जेरेंड है वो आपका एज अ वर्ब यूज़ हो। ये सिर्फ टेंस में एज अ वर्ब यूज़ होती है, लेकिन अगर यहाँ पे वर्ब के साथ भी इसमें जेरेंड यूज़ करते हैं, तो वो अभी मैं आपको उसके रूल्स बताऊँ। अब ये वो एज अ सब्जेक्ट, अब हम पढ़ेंगे एज अ ऑब्जेक्ट। सो अब हम देखेंगे कि जेरेंड का यूज़ एज अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ही इज़ फाउंड ऑफ राइटिंग लेटर्स। तो यहाँ पे ही इज़ फाउंड ऑफ राइटिंग लेटर्स, तो दिस इज़ अ, यहाँ पे ये फाउंड जो आपका है फाउंड, ये आपका क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे राइटिंग क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग, तो यहाँ पे वेटिंग, यहाँ पे ये क्या, वेटिंग इज ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे टायर्ड आपका वर्ब है, यहाँ पे क्या है, वेटिंग आपका ऑब्जेक्ट, मतलब हम इंतजार कर करके थक चुके हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जेरेंड एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ। अब जेरेंड एज अ वर्ब तो आप जानते ही हैं, जैसे कि आपका कोई भी टेंस होता है जिसमें हम जेरेंड का यूज़ करते हैं, उसमें वर्ब के, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आता है, कंटिन्यूअस टेंस जितने भी होते हैं उसमें हम एज अ वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये आपको मैंने अभी बताया एज अ वर्ब, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट इसका यूज़। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि भैया हम जेरेंड को किस तरीके से यूज़ करते हैं, और इसको जेरेंड को यूज़ करने के, जेरेंड को सेंटेंस में फिट करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जो कि मेन चीज़ है इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके रूल। तो सबसे पहले हम आते हैं रूल नंबर वन पर। रूल नंबर वन देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, ये लिखा है शी इज़ गुड एट स्विमिंग। तो अब यहाँ पर रूल क्या है, रूल ये होता है अगर कोई भी वर्ब क्या होती है, जैसे ये आपको क्या दिख रहा है, प्रपोजिशन दिख रहा है, क्या है आपका प्रपोजिशन, जितने भी प्रपोजिशन होते हैं, इन, एट, ऑन, फॉर, आफ्टर, जितने भी प्रपोजिशन होते हैं, अगर उनके जस्टवादी वर्ब आती है, जस्टवादी क्या आती है, वर्ब आती है, तो वहाँ पर आप उस वर्ब में क्या लगा देंगे, ing लगा देंगे। ing मतलब आप जेरेंड का यूज़ करेंगे। जैसे शी इज़ गुड एट, तो यहाँ पे स्विमिंग लिखना है, स्विमिंग बिकॉज ऑफ ये जेरेंड का रूल है। अगर जैसे ही आपका पहले क्या आता है, प्रपोजिशन आता है, फिर उसके जस्ट तुरंत जस्ट बाद वर्ब आती है, तो इसका मतलब हमको वहाँ पे जेरेंड यूज़ करना है। ये बात समझ में आई? जैसे कि इसमें सेकेंड में देखिएगा, आई एम सॉरी फॉर टेलिंग यू ऑल दिस, तो आप फॉर देखेंगे, फॉर इज अ प्रपोजिशन, तो इसके जस्ट बाद ही आपका वर्ब आया कि मैं आई एम सॉरी, मैंने आपको ये सब बोलने के लिए। तो क्या होता है यहाँ पर कि फॉर के जस्ट बाद आया टेल, तो टेल आप टेल यूज नहीं करें, जैसे आई एम सॉरी फॉर टेल यू ऑल दिस, दिस इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट सेंटेंस इज आई एम सॉरी फॉर टेलिंग यू ऑल दिस। तो यहाँ पे जस्ट ही आपका वर्ब आता, वर्ब के पहले प्रपोजिशन, प्रपोजिशन जस्ट बाद वर्ब आती है, तो आपको यूज करना है जेरेंड।
मीन्स आईएनजी लगा देना है वर्ब में। सिंपल सी बात कहें, जेरेंड मीन्स वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर वन था। अब आते हैं रूल नंबर टू पर। तो आते हैं आपके रूल नंबर टू पर। रूल नंबर टू बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि यहाँ पर हम गलती कर बैठेंगे और कर बैठेंगे क्या कर देते हैं, तो ये जरूर समझिएगा। देखो जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रपोजिशन जो होते हैं उनके अगर जस्ट बाद ही कोई वर्ब आती है तो वहां पे आप जेरेंड यूज करेंगे। यहाँ पे वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे ही आप किसी भी सेंटेंस में अगर टू एज ए प्रपोजिशन हो रहा हो, अगर टू एक एज ए प्रपोजिशन है टू, तो जहां कर भी आपको टू दिखता है तो आप वहां को उसके जस्ट बाद ही आप जेरेंड यूज करेंगे। टू जैसे ही आपको कहीं भी दिखता है तो आप उसके जस्ट बाद क्या करेंगे, टू के जस्ट बाद आप जेरेंड का यूज करेंगे। तो जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, यहां पे ये नहीं होगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, इट्स नॉट करेक्ट। मीट यू नहीं, यहाँ पे आएगा मीटिंग यू। तो बिकॉज ऑफ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, बिकॉज ऑफ टू हियर इज प्रपोजिशन, इट्स नॉट इन्फिनेटिव। यहाँ पे ये क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन, इस वजह से इसको टू की बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, जेरेंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस रूल में है एक झोल जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। इस रूल में ये झोल है कि अगर ये जो टू है ये प्रपोजिशन ना हो, ये पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो, ये क्या हो, पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो, तो फिर आप वहाँ पे जेरेंड यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आई वॉन्ट टू गो देयर, तो जैसे ये एक्चुअली प्रपोजिशन नहीं है, आई वॉन्ट टू डू दिस, तो ये इन्फिनेटिव का ही एक पार्ट है। आई वॉन्ट टू, ये इसका एक पार्ट, ये इन्फिनेटिव का ही पार्ट है। टू यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं है, और जब यहाँ पे टू प्रपोजिशन नहीं है तो आप यहाँ पे जेरेंड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो भी टेंस होगा वो वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, आई वॉन्ट टू गो देयर, तो यहाँ पे वॉन्ट टू लिखा है, तो आई वॉन्ट टू मीन्स यहाँ पे ये इन्फिनेटिव का पार्ट है, नॉट अ प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन नहीं है टू, इसलिए यहाँ पे जेरेंड यूज नहीं करेंगे। अधिकतर क्या होता है, देखो ये अगर कहा जाए तो बेसिकली पहला ही रूल है कि जैसे ही आपको प्रपोजिशन दिखता है उसके जस्ट बाद आप जेरेंड का यूज करेंगे। लेकिन मैंने रूल नंबर टू इसलिए आपको बताया क्योंकि मेन रूल नंबर ये नहीं है कि टू के जस्ट बाद आपको जेरेंड लगानी है, मेन रूल ये है कि अगर टू आपका प्रपोजिशन नहीं है तो जेरेंड नहीं लगानी है। टू भले से ही हो लेकिन अगर टू जेरेंड नहीं है, टू अगर आपका प्रपोजिशन नहीं है वो आपका क्या है, वो आपका पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव है, अगर वो आपका पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव है तो आप वहां पे जेरेंड नहीं लगाएंगे। तो गाइज यही था आपका जेरेंड, होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको जेरेंड के बारे में और भी जानना है, और भी आपको समझना है, तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ों के बारे में समझ पाएँ और उनके बारे में सही से सही चीज़ें SSC रेलवे या बैंक वगैरह में स्पॉटिंग दी एरर्स आती हैं, तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें गलत कर जाते हैं, क्योंकि हमने तो बिल्कुल रूल रटा था कि जैसे ही प्रपोजिशन आएगा उसके जस्ट बाद हम जेरेंड लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ झोल आ जाते हैं, कुछ स्पेशल रूल आ जाते हैं, और वो स्पेशल रूल ही पेपर में आते हैं। तो गाइज़ आप प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एंड मेरे को कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको उस पर नेक्स्ट वीडियो बना कर दूंगा। So thanks for watching. Have a nice day.